यार बिछड़े यारा तो जिंदे मेरी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबकी फेवरेट राजू दीदी के बारे में। राजू दीदी और परनास की स्टोरी तो आज हर कोई जानता है। क्या आपको पता है राजू दीदी के साथ क्या क्या हुआ? राजू दीदी की कहानी सुनकर अक्सर लोग रोने लगते हैं। मासूम सी दिखने वाली राजू दीदी के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है जो लोगों को हंसाते हैं। राजू दीदी के हंसाने के पीछे की दर्द भरी कहानी आज कोई नहीं जानता। दोस्तों, जिन लोगों के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, जो लोगों को हंसाते हैं, उनके अंदर कितना दर्द होता है ये कोई नहीं जानता। तो ऐसी ही कहानी है कुछ राजू दीदी की। आखिर राजू दीदी के साथ ऐसा क्या हुआ? अगर आप भी करते हैं राजू दीदी को पसंद तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तेरे इश्क पे हाँ, हक मेरा। राजू दीदी का फुल नेम राजविंदर कौर है। 13 जुलाई 1991 को चंडीगढ़, पंजाब के एक छोटे से गांव तारन तारा में इनका जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर राजू दीदी के नाम से फेमस हैं। राजू एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और इनके पापा भी नहीं थे। इनकी मम्मी ने इनकी परवरिश अकेले ही की है। राजू दीदी की मम्मी दूसरों के घर पे काम करके अपने घर का गुजारा करती थी और इसी वजह से राजू दीदी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। राजू दीदी की मम्मी राजू दीदी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और इसीलिए उन्होंने उनकी कम एज में ही शादी कर दी। उन्हें लगा शादी के बाद शायद राजू दीदी को वो सारी खुशियाँ मिल सके जो वो उन्हें नहीं दे पाई। और राजू दीदी को अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण छोटी सी ही एज में शादी करनी पड़ी। और शादी के कुछ सालों बाद ही राजू दीदी के 3 बच्चे हो गए, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहते हैं ना, किसी की लाइफ में खुशियां बहुत टाइम बाद आती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ राजू दीदी के साथ। राजू दीदी की शादी के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आई और उनकी जिंदगी पहले से भी और ज्यादा बेकार हो गई। राजू दीदी के पति उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और हमेशा मारते पीटते और धमकाते रहते थे। हर किसी के अंदर सहन करने की एक क्षमता होती है जो राजू दीदी के अंदर खत्म हो चुकी थी। उन्होंने बचपन से ही सिर्फ दुख ही दुख देखा था और उसी टाइम उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। राजू दीदी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 3 बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर आ गईं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पति के पास अब वापस नहीं जाएंगी। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे। राजू दीदी की मम्मी परनास के यहाँ काम करने जाती थी और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से राजू दीदी को परनास के यहाँ काम करने जाना पड़ा और उन्हें अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारियां भी अकेले ही उठानी थी। यहाँ से होती है राजू दीदी की लाइफ में परनास की एंट्री। परनास के आने से राजू दीदी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ गईं। बात करें परनास की तो परनास को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था और वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला। परनास पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और परनास की जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उन्हें टिकटॉक के बारे में पता चला तो वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगे। पहले वो अपनी सिस्टर के साथ टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे, लेकिन उनकी वीडियोस पर ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। तेरे इश्क पे हाँ, हक मेरा। और एक दिन परनास ने मजाक मजाक में राजू दीदी से कहा कि वो क्या उनके साथ वीडियो बनाएंगी अगर उनका मन हो तो। राजू दीदी को भी एक्टिंग करने का बहुत शौक था और उन्होंने हाँ कर दी। राजू और परनास ने एक साथ वीडियो बनाई और उनकी वही वीडियो रातों रात तेजी से वायरल हो गई और राजू दीदी की वजह से परनास की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। कम ही समय में परनास के टिकटॉक पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे और फिर परनास राजू दीदी के साथ वीडियोस बनाने लगे। इसके बाद इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया और इसके बाद परनास ने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया और राजू दीदी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। लोग परनास और राजू दीदी की जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं और साथ साथ ही लोग इनके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे। कोई इनके रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का नाम देता है तो कोई इनके रिश्ते को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम देता है। फिर परनास ने अपने एक ब्लॉग में क्लियर किया कि उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का है और वो राजू दीदी को अपनी सिस्टर मानते हैं।
परनाज राजू दीदी की इज्जत करते हैं, केयर करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं और उनके बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। परनाज को जो अपनी वीडियो से अर्निंग होती है उसका आधा हिस्सा वो राजू दीदी को भी देते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। और जब राजू दीदी और परनाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया स्टार बन गए। जब राजू दीदी के पति को ये बात पता चली कि वो सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं, तो वो उन्हें लेने आए और अपने साथ चलने को कहा, पर राजू दीदी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो अब वो उनके साथ नहीं जाएंगी और ना ही अपने बच्चों को जाने दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजू दीदी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। राजू दीदी आपको कैसी लगती हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़।